हेलो दोस्तों, अंजलि किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी स्टोव पराठा। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। इस पराठे की खासियत यह है कि ये गर्मा गर्म खाने में जितने अच्छे लगते हैं उतने ही ठंडे खाने में भी अच्छे लगते हैं। ये पराठा चाय के साथ, दही के साथ, रायते के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ ना हो तो अकेले खाने में भी ये इतनी टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले उसका स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन ले लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से छटकने लगे तब इसमें एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। अब इसमें एक बड़ा प्याज बारीक कट करके डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेना है। अब इसकी टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें अदरक हरी मिर्च को मैंने बारीक कूट के डाला है, एक चम्मच डालेंगे। आप पेस्ट बना के भी ले सकते हो। लहसुन डालते हैं एक चम्मच, इसे भी मैंने दरदरा कूट लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब प्याज हमारे थोड़े से नरम पड़ जाए तब तक इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें दो चम्मच तिल डालेंगे, सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने। तिल से भी पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें एक बड़ा बाउल मेथी डालेंगे। मेथी को पहले अच्छे से धो लेना है और साफ़ कर लेना है और उसके बाद एक बड़ा बाउल मेथी इसमें डालेंगे। मेथी डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिला लेना है। मेथी जब हल्की सी नरम पड़ जाए तब इसमें मसाले कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसी के साथ साथ आधी चम्मच धना जीरा पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। आधी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे या तो फिर आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेना है। अब इसमें हम एक चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा डालने से क्या होगा कि हमारा जो स्टफिंग बनके तैयार हुआ है वो ठंडा होने के बाद भी पानी नहीं छोड़ेगा, ये ड्राई ही रहेगा, जिससे कि ठंडा पराठा खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये तो स्टफिंग बनके तैयार है, तो आइए अब डो बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक कप गेहूं का आटा लेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब मसाले कर लेते हैं। तो एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, आधी चम्मच धना जीरा पाउडर डालेंगे। एक बटाटा लिया है यहाँ पे मैंने, जिसे मैंने उबाल लिया है, इसे घिस के हम डाल देंगे। बटाटे से बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब एक चम्मच तेल डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और आटा अच्छे से गून लेंगे। ये देखिए आटा कुछ इस तरह से गून के तैयार किया है मैंने। थोड़ा सा तेल डालेंगे और आटा अच्छे से एक बार गून लेंगे। आटा अच्छे से गून के तैयार है, तब इसे ढक के 5 मिनट रहने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसकी रोटी बना लेते हैं। तो एक बड़ा सा गोला ले लेते हैं और इसकी रोटी बना देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गोला ले लेंगे, थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और इसकी छोटी रोटी बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर रोटी बन के तैयार है। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा भरेंगे, जिससे कि पराठा के साथ कुछ खाने के लिए ना हो तो भी ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए स्टफिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा भरा है। अब इसे अच्छे से सील कर देंगे और इसे अच्छे से बेल लेते हैं। थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और पराठा अच्छे से बेल लेते हैं। ये देखिए पराठा कुछ इस तरह से बेल के तैयार है। अब इसे सेक लेते हैं।
दोनों साइड से अच्छे से घी लगा के इसे सेक लेना है। तो ये देखिए पराठा हमारा सेक के तैयार है। तो अब इसे प्लेट में ले लेते हैं। ये जो हमारा पराठा है वो फूल के तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्याज डाला है, मेथी डाला है, इसलिए ये फूलेगा नहीं। और थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग अगर बाहर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये खाने में टेस्टी लगता है। इसी तरह से और एक पराठा हम बेल लेंगे। तो ये देखिए सुपर डिलीशियस मेथी स्टफ पराठा हमारा बनके तैयार है।